आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिव की नगरी सिवनी में सूर्य मंदिर बारापत्तर में स्थित है। दशकों तक उपेक्षित पड़े इस सूर्य मंदिर का कायाकल्प कुछ समाज सेवियों के द्वारा कराया गया और आज ये स्थान एक ऐसा स्थान बन गया है जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर जो टैगोर वार्ड में है, सूर्य मंदिर प्रांगण में रविवार को दोपहर 12 बजे से शाम ढलने तक हरियाली महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूर्य मंदिर समिति एवं सामाजिक महिला संगठन के द्वारा हरियाली महोत्सव पर हरे परिधान श्रृंगार के साथ सभी सामाजिक महिला संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इस दौरान हरियाली महोत्सव में हाथों में मेहंदी, बालों में गजरा, नयनों में गजरा के गीत के साथ अन्य गीतों की प्रस्तुति की गई। सखियों का मन भाया इस तरीके के बहुत सारे गीत, राधा कृष्ण की झांकियां, सावन के झूले, सावन के गीत, महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ खेल, सूर्य भगवान की महाआरती भी संपन्न हुई। सूर्य मंदिर यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। महिलाएं किस तादाद में यहां हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं देख रहे होंगे कि महिलाएं किस तादाद में यहाँ हैं। सूर्य मंदिर प्रांगण अपनी अलौकिक छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। टैगोर वार्ड में ये स्थित है। ये देखिए राधा कृष्ण, यहाँ पर राधा कृष्ण की झांकियाँ और झूला भी आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सावन में झूले लगभग 3-4 दशकों पहले तक सावन आते ही झूले लग जाया करते थे। आम, इमली, अनेक तरह के वृक्षों पर झूले लगते थे और युवतियां झूला झूलती थीं, महिलाएं झूला झूलती थीं, पर अब ये सारा चलन बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। 80 के दशक के बाद धीरे धीरे शनय शनय इसमें कमी दर्ज की गई है। बहुत राहत की बात मानी जाती है कि परंपराओं को पुनर्जीवित करने का बीड़ा कुछ समाज सेवकों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाया गया है और उनके द्वारा पिछले लगभग एक दशक से पुरानी परंपराओं को जीवित करने का प्रयास किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महिलाओं की तादाद आप अगर देखें तो आपको लगेगा कि महिलाएं कितनी उत्सुक होती हैं। पारंपरिक जितने भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को आप यहां देखिए। महिलाओं के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और महिलाएं किस तादाद में आपको दिख रही हैं टैगोर वार्ड के सूर्य मंदिर में। ये आयोजन रविवार को किया गया था, रविवार अर्थात 6 अगस्त को इस आयोजन को यहाँ पर किया गया था। देखिए यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको होते हुए दिख रहे होंगे। हरियाली महोत्सव का आयोजन यहाँ किया गया है। परंपरागत नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप में राधा कृष्ण का स्वांग रचे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कलाकार और महिलाएं कितना आनंद इस पूरे उत्सव का ले रही हैं ये आपको यहां पर दिखाई दे ही रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितना सुंदर नज़ारा यहां पर नज़र आ रहा है। देखा जाए तो हर कॉलोनी में एक मंदिर के लिए जगह छोड़ी जाती है, जो भी बसाहट है उसमें मंदिर के लिए, देवालय के लिए एक जगह छोड़ी जाती है। पर नगरपालिका परिषद को, सिवनी के विधायक को, सिवनी के सांसद को, शहर की चूंकि बात है इसलिए सांसद कहा जा रहा है, अन्यथा 2 सांसद हैं, 4 विधायक हैं, पर जिला मुख्यालय की बात हम कर रहे हैं इसलिए जिला मुख्यालय में जितनी भी कॉलोनीज हैं वहाँ पर खेल के मैदान हैं या नहीं हैं। महिलाओं की तादाद तो यहाँ देखिए कितनी तादाद में महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं। वास्तव में एक बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम यहाँ इसे माना जा सकता है। हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उन कॉलोनीज़ में खेल के मैदान हैं कि नहीं, देवालय की जगह में देवालय बने हैं कि नहीं, ये देखने का काम नगरपालिका परिषद, जिला प्रशासन, सांसद और विधायक का है।
साथ ही जो भी वहाँ के पार्षद हैं उनका भी ये दायित्व है कि वे देखें कि उनके क्षेत्र में देवालय और कॉलोनीज के पार्क कॉलोनाइजर के द्वारा विकसित किए गए हैं अथवा नहीं, और अगर विकसित नहीं किए गए, बिना विकसित किए ही अगर नगरपालिका उन्हें अपने स्वामित्व में ले रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पार्क, कम से कम पार्क को बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के टहलने के लिए पार्क की जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए कृष्ण और राधा यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, कितना सुंदर नृत्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही शालीन सौम्य कार्यक्रम का आयोजन हरियाली महोत्सव के तहत किया गया है। महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता देखते ही बन रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ये प्रयास है, देखिए राधा कृष्ण सामने ही दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ये प्रयास है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ हर तरह की जो जानकारियाँ हैं वो आपके सामने, आपके साथ साझा की जाएँ। लगातार ही 4-5 वर्षों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा साई न्यूज़ का एक सेगमेंट चालू किया गया है जिसमें आपको वीडियोस के जरिए बहुत सारी खबरें आपको मिल रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्व सांसद, पूर्व विधायक श्रीमती नीता पटेरिया और ब्रह्म कुमारीज की बहनें भी यहाँ आपको बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी प्रथम पंक्ति पंक्ति में, और पीछे महिलाओं की तादाद, कितनी तादाद है आप यहाँ देख सकते हैं। चूँकि ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल के द्वारा आहूत नहीं किया गया था, इसलिए इसे विशुद्ध सामाजिक कार्यक्रम की संज्ञा लोग दे रहे हैं, और इस सामाजिक कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता किसी से छिपी नहीं है। देख सकते हैं कितनी तादाद में महिलाएं यहाँ पर नृत्य करते हुए भी आपको यहाँ पर पारंपरिक नृत्य, और नृत्य में भी जो प्रसंग आपको मिलते हैं पौराणिक कथाओं में, उन प्रसंगों पर जो भी दोहे छंद पंक्तियाँ हैं उन पंक्तियों को ही यहाँ पर दोहराते हुए यहाँ कलाकार आपको दिख रहे होंगे। और इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए, इन कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए महिलाएं करतल ध्वनि से उनका स्वागत करके उत्साहवर्धन करती नजर आ रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर नज़ारा, इस तरीके के आयोजन माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, इस तरीके की बात महिलाएं वहां पर कहते हुए सुनी गई। भले ही वो किसी भी वार्ड में किया जाए, किसी भी देवालय में किया जाए, पर इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। कितनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर महिलाओं के द्वारा दी जा रही है। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, राधा आपको दिख रही होंगी, भगवान श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी, सभी आपको यहाँ पर राधा का रूठना, भगवान श्री कृष्ण का मनाना, सब कुछ। ये देखिए बांसुरी लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, महिलाएँ वाकई अचंभित थी इस तरीके के आयोजन को लेकर। महिलाओं के द्वारा आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद प्रस्तुत किया गया इस दौरान। देखिए महिलाओं की यहाँ भीड़ देखिए, और उमस के बाद भी महिलाएं पूरे कार्यक्रम को देखने जुटी नजर आ रही होंगी। हरियाली महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये रविवार 6 अगस्त 2023 को टैगोर वार्ड स्थित सूर्य मंदिर में इसका आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।